नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। आज बनाएंगे उत्पम। तो उत्पम के लिए ये बैटर लिया है हमने। बैटर बनाने की वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ। बाकी बैटर साइड रख देंगे। इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर, कटी हुई शिमला मिर्च, ग्रेट की हुई गाजर, छोटी छोटी कटी हुई हरी मिर्च। आप अपने मनपसंद की कोई सी भी सब्जी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिना प्याज का बनाऊंगी। नमक, स्वाद अनुसार अजवाइन। अब सबको मिक्स करेंगे। बैटर में सारी सब्जियां मिक्स कर ली हैं। अब ये तैयार हो गया है, तवा गरम हो गया है। इस पर थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा पानी और इसको कपड़े से पोंछ लेंगे। एक चम्मच बैटर लेंगे और इसको तरह से फैला देंगे। अब इसके चारों तरफ से हल्का हल्का तेल डाल देंगे और इसको एक साइड से सिकने देंगे। अब इसको पलटेंगे, पलट करके दूसरे साइड से भी सेकेंगे। अब इसको पलट करके दूसरे साइड देखते हैं, सिक चुका है। अब इसको प्लेट में निकालेंगे। अब तवा पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और कपड़े से पोंछ देंगे और बैटर को फैलाएंगे। अब इसके ऊपर हल्का हल्का सा तेल डाल देंगे और एक साइड से सिकने देंगे। अब ये एक साइड से सिक गया है, इसको पलटेंगे आराम से, धीरे से। अब दूसरे साइड से सिकने देंगे। इसको पलट करके चेक करते हैं, ये भी सिक गया है। अब इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब गर्मा गर्म उत्पम बन करके तैयार है। ये नारियल की चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इनको एक बार जरूर ट्राई करें। धन्यवाद। राधे राधे।